नमस्कार, आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आंगनबाड़ी से रिलेटेड ही एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, जो कि मैं आप सभी को इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो जैसा कि आप सभी आंगनबाड़ी बहनों को मालूम है कि जो आंगनबाड़ी सेविका या सहायिका का चयन होता है, उसके बाद ही सेविकाओं को वेतन या मानदेय दिया जाता है। तो ऐसा अब की पहली बार हुआ है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं के चयन रद्द होने के बावजूद भी आंगनबाड़ी सेविका का पैसा दिया जा रहा है। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि उनका चयन रद्द हो चुका है, फिर भी उनको पैसा दिया जा रहा था। इस संबंध में एक न्यूज़ खबर आ रही है, और जैसे कि सेविका को जो चयन रद्द हो गया है, उनको पैसा दे रही थी CDPO, और CDPO को विभाग के तरफ से उनको बर्खास्त कर दिया गया है। तो सारी जानकारी आपको क्लियर बताने वाला हूँ कि उनको और कौन कौन सी उन्होंने गड़बड़ी की थी, और ये न्यूज़ किस राज्य के है, सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं से कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। आप लोग इस प्रकार का न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप लोग इसको लाइक कीजिए। लाइक कीजिएगा तो हम आपके लिए हर रोज़ नए हर राज्य की खबर आपके दिखाते रहूँगा। तो सभी आंगनबाड़ी बहनें देखिए, ये आरा जिला का न्यूज़ है, जहाँ पे 28/8/2021 यानी आज ही का ये न्यूज़ दिखा रहा हूँ मैं आपको। देखिए, यहाँ पे बड़े अक्षरों में लिखा गया है, चयन रद्द हुई सेविका को भुगतान करने के मामले में गृहिणी की CDPO बर्खास्त। तो जो सेविका का चयन रद्द हो चुका है, उनको भुगतान दे रही थी ये CDPO, जिसको विभाग के तरफ से बर्खास्त कर दिया गया है। देखिए, यहाँ पे उन CDPO का फोटो पिक्चर भी दिया गया है, जो कि CDPO मधुरिमा प्रसाद हैं, आरा जिले की। तो चलिए आपको और भी न्यूज़ इसमें बताते हैं कि किस प्रकार की और भी गड़बड़ी कर रही थी, जिसके कारण इनको बर्खास्त कर दिया गया है। जिले में गृहिणी की CDPO मधुरिमा प्रसाद को समाज कल्याण के कार्यों के दौरान बड़े स्तर पर गड़बड़ी करने के आरोप में बर्खास्त कर दिया है। विभाग के संयुक्त निदेशक रमेश कुमार झा ने बर्खास्तगी का आदेश जारी करते हुए इसकी सूचना विभाग के संबंधित अफसरों समेत सभी जिले में ICDS के DPO को दी है। बर्खास्तगी के मामले में लिखा गया है कि मधुरिमा प्रसाद के खिलाफ आंगनवाड़ी केंद्र संख्या कोड 111 की सेविका प्रियंका कुमारी का चयन फर्जी पाए जाने के कारण रद्द कर दिया गया था। देखिए, जो कोड संख्या 111 है, जहां पर सेविका प्रियंका कुमारी का चयन फर्जी पाए जाने के कारण रद्द कर दिया गया था, बावजूद उसके इसके बाद वहां नई सेविका संतोषी कुमारी का चयन किया गया था। इसके बावजूद संतोषी कुमारी का मानदेय न देते हुए अवैध ढंग से प्रियंका कुमारी को मानदेय दिया जाता रहा है। तो देखिए, जिनका चयन हुआ है उनको पैसे ना देकर, जिनका चयन रद्द हो चुका है उनको पैसा दिया जा रहा था। इसी प्रकार के केंद्र संख्या 2 कोड 100 की सेविका रेहाना परवीन का चयन 15 फरवरी 2020 को रद्द कर दिया गया था। इसके बावजूद सितंबर 2020 तक अवैध तरीके से इसका मानदेय भुगतान किया जाता रहा। इसी के साथ CDPO द्वारा स्थानीय कर्मचारियों को मिलाकर कई प्रकार की गड़बड़ी की जाती थी। इस मामले की शिकायत राकेश तिवारी, महेश्वर भारती, जमीरुद्दीन अंसारी समेत कई लोगों के द्वारा की गई थी। जाँच पड़ताल के दौरान प्रथम नज़र में सभी मामले सही पाए जाने पर विभाग ने तत्काल प्रभाव से मधुरिमा को बर्खास्त कर दिया है। इसके साथ ही पूरे मामले में जांच तक की उसकी तैनाती पटना प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में की गई है। और देखिए, CDPO जो वहां की है, उनको 4 वर्षों से गृहिणी में ये काम कर रही थी, और 4 वर्षों से गड़बड़ी का साम्राज्य इन्होंने स्थापित कर लिया था। बर्खास्त CDPO मधुरिमा तैनाती सितंबर 2017 में हुई थी, तब से लेकर अब तक उसका गृहिणी में गड़बड़ी करने का साम्राज्य चल रहा था। कई मृतक सेविका को फर्जी मानदेय भुगतान करने के साथ कई प्रकार के काले कारनामे उसके द्वारा किए गए थे। सबकी शिकायत किए जाने के बाद भी जिला स्तर पर वरीय पदाधिकारी चुप्पी साधे हुए थे। इससे यह सिद्ध हो रहा है कि वरीय पदाधिकारी को मोटी रकम देकर वह अपने साम्राज्य बरकरार रखे हुए थे। मामला पटना पहुंचने के बाद उस पर कार्रवाई भी हो गई है।
तो जो आरा ज़िले की CDPO हैं उनको बर्खास्त तो कर ही दिया गया है, लेकिन अगर इस प्रकार की जो ऊपर के जो आला अधिकारी हैं वो लोग ऐसा करेंगे तो बताइए आंगनवाड़ी सेविकाओं का क्या होगा। इस प्रकार से आंगनवाड़ी सेविकाएं जो अपने पूरे मेहनत से अपना कार्य करती हैं उनको मानदेय ना देकर ये लोग दूसरे किसी को मानदेय दे रहे हैं, तो बताइए उनके घर परिवार में किस प्रकार से ऐसे काम हो सकता है। तो अब जो लोग गलती करते हैं उनको ऐसी सजाएं मिलनी चाहिए। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जो CDPO बर्खास्त हुई हैं उनको बर्खास्त करना कितना ज़रूरी था। तो आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।